हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ का वीक 13 का हिंदी का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट में पार्ट 8 स्वतंत्रता की ओर कहानी के प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम में सबको क्या क्या काम करना होता था? उत्तर है, खाना पकाना होता था, खेती करना, बर्तन धोना, गाय का दूध दोहना और बकरियों की देखभाल करना। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम थे जो गांधी जी के आश्रम में करने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन से खाने वाली चीज़ें हमारी सेहत के लिए लाभकारी है वो बताना है और उन पर गोले लगाने हैं। जैसे पहला चित्र है चाउमीन का। चाउमीन खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छी लाभकारी नहीं होती। ऐसे ही बर्गर और पिज़्ज़ा, ये भी हमारी सेहत के लिए लाभकारी नहीं होते। लेकिन वहीं पर अगर सब्जियां हो, फल हो, दूध हो या मक्खन, ये हमारे सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो हमें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए रोज़, और साथ में मक्खन भी खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचो और बताओ कि यदि आपको खाना गर्म करना है तो आप कैसे और किसकी मदद से खाना गर्म कर सकते हो? उत्तर है, खाना गर्म करने के लिए हमारे पास स्टोव या गैस या मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, तथा खाना गर्म करने के लिए एक बर्तन भी होना चाहिए जिसे गैस पर रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहानी से कुछ लाइन्स दी गई है, कोई पैराग्राफ दिया गया है, तो चलो उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कही। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा ज़रा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये तो था हमारा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, यात्रा पर कहाँ जाया जा रहा था? तो यात्रा पर समुद्र के पास जाया जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, धनी किस तरफ चला गया? उत्तर है, धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ चला गया। थर्ड क्वेश्चन है, धनी किसके पास बैठ गया? उत्तर है, धनी बूढ़े बिंदा के पास बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें काम बांटना है जो हमारे परिवार के सदस्य करते हैं, उनके कामों को लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, आप चाहो तो अपने परिवार के आपके सदस्य जैसे जो काम करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, पिताजी बाहर का काम करने जाते हैं। माताजी रसोई का काम करती है और घर की सफाई करती है। भाई बाहर से सामान लाता है और हमें पढ़ाता है। बहन बहुत छोटी है, वह कोई काम नहीं करती। स्वयं मैं मम्मी की मदद करती हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों, ये था हमारा वीक 13 का हिंदी का क्लास 4 का असाइनमेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें।